पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में अब हर कलाकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं बमिया गैंग, बमाना गैंग और भोपी राणा गैंग की तरफ से सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये धमकियां इसलिए दी गई हैं क्योंकि मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन बमिया, बमाना और भप्पी गैंग खुलकर सिद्धू मूसेवाला के सपोर्ट में आ चुके हैं। इन गुटों ने साफ साफ कहा है कि मूसेवाला का उनसे कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उनके साथ उनका नाम जोड़ा गया तब अब वो मूसेवाला की मौत का बदला जरूर लेंगे। इन धमकियों के बीच पंजाब के कलाकारों में अब डर का माहौल है। वैसे आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पंजाब अब गैंगलैंड बनता जा रहा है। वहीं कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार मनकीरत औलख के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि मनकीरत ने मूसेवाला की मौत के बाद लाइव होकर साफ साफ कह दिया था कि उसका और उसके मैनेजर सचिन का इस मामले में कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को पंजाबी इंडस्ट्री का मान बताया था। मनकीरत औलख ने कहा था कि मेरे बारे में कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। वहीं गैंगस्टरों के आपसी टकराव के बीच कई कलाकारों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, जिसमें मनकीरत औलख का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम मनकीरत औलख सरहिंद नजदीक बने गुरुद्वारा हंसाली साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि मनकीरत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हंसाली साहिब में मनकीरत करीब पौना घंटा रुके, यहां उन्होंने अपने फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अब गैंगस्टर के टारगेट पर मनकीरत औलख भी है, क्योंकि मनकीरत औलख के बारे में भी कहा जाता है कि मनकीरत औलख लॉरेंस बिश्नोई के काफी करीबी भी बताए जाते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।